आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर किसी की टॉन्सिल्स की सर्जरी कर दी गई है, मतलब उनका टॉन्सिल्स जो है उनके गले से रिमूव कर दिया गया है, तो कौन कौन सी सावधानियाँ हैं उन्हें बरतनी चाहिए, कौन से प्रिकॉशंस हैं जो उन्हें लेने चाहिए। अगर वो ये प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको बहुत सारे जो है वो हेल्थ इशूज़ हो सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर डॉक्टर ज्योति पांडे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसके बाद उनके डॉक्टर्स और वो मिल करके ये डिसीजन लेते हैं कि उनके टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाए। ये टॉन्सिल्स को रिमूव करना टॉन्सिलेक्टमी कहलाता है। तो टॉन्सिलेक्टमी करने के बाद बहुत सारे प्रिकॉशंस जो हैं वो आपको लेने की आवश्यकता है। जैसे कि सबसे पहले तो ये है कि जिस दिन आपकी टॉन्सिलेक्टमी की जाती है उससे एक दिन से लेकर के 10 दिनों के बीच में आपको बिल्कुल भी खाने में एकदम लिक्विड चीज़ लेनी है। ना वो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में आपके गले के इन्फेक्शंस जो हैं सर्जरी के बाद वाले वो बढ़ सकते हैं, उससे ब्लीड हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, खून बह सकता है। तो ये चीज़ जो है वो मना की जाती है। इसके साथ साथ आपको कोई भी स्पाइसेस खाने, जैसे अगर नमक और हल्दी के अलावा आपको सारे जितने भी मसाले होते हैं कोई भी मसाले का उपयोग करने से मना किया जाता है। आपको कोई भी ठंडे चीज़ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, घर के कोई भी फूड आइटम्स, फास्ट फूड हो गए, वो सारी चीज़ें जो है वो मना की जाती है। आपको जो है वो स्टिकी चीज़ जो है उसको भी खाने से मना किया जाता है। चॉकलेट्स वगैरह भी आप नहीं ले सकते हैं। फ्रूट जूसेस आप ले सकते हैं, लेकिन वो जूस में जो है वो सिट्रस फ्रूट नहीं होने चाहिए। जो फल जो हैं वो ठंडे होते हैं, ऐसे फलों का सेवन करने से भी आपको मना किया जाता है। ठंडे पानी को पीने से भी आपको मना किया जाता है। ये प्रिकॉशंस जो होते हैं आपको 10 दिन के लिए निभाने के लिए बोला जाता है। आपको ऐसे कंडीशंस में बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी सर्जरी हुई है गले की, और जब सर्जरी होती है तो उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर कान में दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, जो कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम जो है वो बीतते जाता है वैसे वैसे आपके जो गले का दर्द है, जो कान का दर्द है, वो बिल्कुल ठीक होते जाता है। 14 डेज के बाद आपके जो डॉक्टर होते हैं वो आपको लिक्विड डाइट में थोड़े से हार्ड चीज़ों को शामिल करने के लिए बोलते हैं। लाइक आप दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको लेना होता है। बट ऐसे कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल्स जिसको कि खाने से आपके गले में खराश हो, ऐसी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना होता है। कोई भी ऐसे फूड आइटम्स यूज़ नहीं करने होते हैं जो कि आपके गले को इरिटेट करे, गले पे चोट दे। इस वजह से, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका पेन जो है कान का वो बढ़ सकता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। टॉन्सिल्स की जो सर्जरी होती है उसको करवाने के बाद एक चीज़ का ख्याल हमेशा रखना होता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर कोई वयस्क हों, दोनों में कोई भी इन्फेक्शन जो है वो जल्दी जल्दी बॉडी में होने लगता है। क्योंकि टॉन्सिल्स जो होता है वो एक तरह का लिम्फ नोड होता है, आपके बैक्टीरिया को, आपके वायरस फंगस को ये फिल्टर करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। लेकिन अगर ये टॉन्सिल्स आपके थ्रोट हैं वहाँ से अगर रिमूव हो जाते हैं, तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपको बहुत जल्दी वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा होने लगते हैं। तो इसीलिए आपको जो है वो हमेशा कोशिश करनी है कि अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है। इम्यूनिटी का मतलब है अपने बॉडी के अंदर की जो ताकत है उसको ऐसा रखना है कि वो बाहर के जो कीटाणु हैं, जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उससे वो अच्छे से लड़ सकें और आपको वो इन्फेक्शन जो है बॉडी में वो जल्दी ना हो। तो इसके लिए आपको हमेशा जो है वो हेल्दी रिच डाइट लेना है। खाने में अच्छे जो है वो पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करना है, मौसमी फलों जूसों का इस्तेमाल करना है, और हमेशा जो है बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों से, बहुत ज़्यादा जो बाहर के जो बेवरेजेस होती हैं, जो ड्रिंक्स होते हैं, जो पैकेट फूड होते हैं, इन सारे चीज़ों से आपको हमेशा जो है वो बचना होता है, सावधानी बरतनी होती है। क्योंकि इलाज से बहुत अच्छा होता है प्रिकॉशंस। हर बीमारी के इलाज को अगर आप करा लेते हैं तो उसके बाद उसके कुछ तो इफ़ेक्ट अच्छे होते हैं, बट कुछ जो है उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये टॉन्सिलेक्टमी जो होती है इसके कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में यही है कि आपको एलर्जी जल्दी हो सकती है,
आपको कोई भी इन्फेक्शन जो है वो जल्दी हो सकते हैं। तो इसीलिए हर 3 महीने पे 6 महीने पे अपने नियर के डॉक्टर जो होते हैं या फिर आपके जो सर्जन है जिन्होंने आपकी टॉन्सिलेक्टमी कराई है उनसे आपको मिलना चाहिए ताकि आपको कोई और प्रॉब्लम तो ना हो। क्योंकि टॉन्सिलेक्टमी करने के बाद आपके गले में रेडनेस बनना या फिर आपके जो यूवला होते हैं जो आपके गले में ऐसे लटके हुए होते हैं उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। आपके कान में दर्द जो है वो थोड़ा बढ़ सकता है और आपको जब भी आप खाना वगैरह खाते हैं तो हल्की जो है वो ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ी सी जो है वो सावधानी बरतिए, डॉक्टर से हमेशा जो है वो मिलते रहिए ताकि अगर कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम होगी तो आपके डॉक्टर जो हैं वो उसको सही कर सकते हैं। टॉन्सिल्स की सर्जरी के बाद आपको एक और चीज़ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, वो है आपको अपने ओरल हाइजीन को बहुत अच्छा रखना है। ओरल हाइजीन का ख्याल रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 या 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है और आप बिल्कुल सही हो सकते हैं। जैसे कि आपको ब्रश जो है वो सुबह शाम अच्छे से करना है, खाने में जब आपको जब खाना खाते हैं और अगर पॉसिबल नहीं है कि आप ब्रश कर सके उस टाइम पे तो आपको कोई भी हार्ड फ्रूट जो है उसको चबा चबा के खा लेना, उससे भी आपका जो मुंह है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। फ्लॉसिंग यूज़ ज़रूर कीजिएगा और दिन में कम से कम एक बार आपको गुनगुने पानी में नमक मिला के कुल्ला करना है, ये होम रेमेडी की तरह है। घर पे इसका इस्तेमाल करके बिल्कुल सही हो सकते हैं, अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि ओरल कैविटी के ही माध्यम से आपके सारे बैक्टीरिया और वायरस जो होती हैं आपके गले में जाती हैं और आपको इन्फेक्शन कॉज करती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आई होप कि आपको ये टॉन्सिलेक्टमी के बाद कौन कौन से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, टॉन्सिलेक्टमी होने के बाद और टॉन्सिलेक्टमी होने के बहुत सालों तक आपको क्या रखना है ताकि आप जो है वो जल्दी जल्दी से बीमार ना हो, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों के गले में हमेशा से सोर थ्रोट बनी होती है, खराश रहता है या उनकी सर्जरी जो है वो हो चुकी है। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।